सत बिस्मिल्ला जी आयां नूं पाकिस्तान टैलीविजन लाहौर सेंटर तो प्रोग्राम का नाँ है अज का मेहमान। मेरा नाँ है अली उस्मान बाजवा। मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर मुतजल्ला। एक नवा प्रोग्राम लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर होए हां। नाज़रीन, मुल्क दे विच हालात थोड़े सोगवार ने और मुख्तलिफ जिहड़े ने अजाब जिहड़े ने या कोई भी सिलसिलाकार हुंदा, कोई आफत आउंदी है उहदे विच कौमां जिहड़ियां ने उह भरपूर तरीके नाल लड़दियां ने और पाकिस्तानी कौम वी उहनां चों इक है। चाहे कोई माजी च जलजला या सैलाब आया होवे या कोई भी सिलसिलाकार होया होवे, साडे लोकां ने वध चढ़ के उहदे विच अपना हिस्सा पाया और लोकां दी मदद कीती। लेकिन इस वक्त हालात नूं समझण दी लोड़ है कि ग्लोबल वार्मिंग जिहदे विच असीं सारे जाणदे हां कि 1% शायद असीं कार्बन एमिशन दा किते ना किते वजह बणदे हां और सब तो ज़्यादा नुकसान दुनिया में जिहड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उहदी वजह तों हो रहा। साडे कोल ग्लेशियर ने जिहड़े नॉर्थ साउथ पोल्स तों निकल के सब तो वड्डे ग्लेशियर साडे कोल ने और वो ग्रैजुअली पिघल रहे हैं। इहदे करके भी असीं ग्लोबल वार्मिंग दे विच बुरी तरह फस चुके हैं। इस वक्त हालात यह ने कि लोगों को लकड़ी तक नहीं कि वह अग बाल के रोटी पका सकन। हालात यह ने कि वह एक ऐसी जगह फस गए हैं जिथों निकल नहीं सकते, कश्ती तक नहीं है, छोटे छोटे बच्चे ने, बहुत ज़्यादा मसाइल ने। इन्हां नूं समझण की लोड़ है। तुसीं सोशल मीडिया से पिक्चर्स वेखियां होणगियां, क्लिप्स वेखे होणगे और दिल तुहाडा पसीजिया भी है, रोंदा भी है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली तुसीं इस हवाले नाल कुछ कर रहे हो? ये बार बार कहण की लोड़ सानूं इसलिए पै रही है कि अक्सर असीं थोड़ी देर लई उस गल दे उत्ते गमगीन होंगे, थोड़ा कमेंट करके और बाद असीं स्क्रोल करके निकल जाते हैं, लेकिन जिंदगियां जिहड़ियां ने वो स्क्रोल नहीं हो सकदियां। भुख जिहड़ी है वो दिन रात लगती है। इस करके कोशिश करो कि राशन का इस वक्त जिहड़ा पहला फेज़ है मुतजल्ला, बिल्कुल वो साडा ये फेज़ है कि असी पहले लोगों की जान बचानी है जिहड़े फसे ने, जिहड़े बीमार ने उन्होंने बचाना है और उन्होंने तक रोटी और पानी जिहड़ी कि बिल्कुल असेंशियल चीज़ा ने वो पहुँचानियां ने। इस तो बाद जो पानी सुकेगा और वो की असी करना है, सैकेंड फेज में रीहैबिलिटेशन किमें होएगी, रीबिल्डिंग किमें होएगी, ये बारे असी फिर गल करांगे। लेकिन इस वक्त लोड़ जी दवाइया की है, पानी की है। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿਆਸੇ ਰਹੋ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਚਾਰ ਬੋਲ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ। ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਫੜਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ ਵੋ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ 'ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਟੈਂਟ, ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪਿਲਾਕ ਔਰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲਮ ਨਿਗਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਰਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਸੀ ਤਬੀਅਤ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤੂਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਜੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ 101 ਵੁਮੈਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਤਰ ਸੋ ਉਹ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਔਰ
टीवी एंकर भी ने और सियासी और समाजी हवाले काफ़ी प्रोग्राम्स कर दिए ने। पी टी वी नाल भी इन्हों का तालुक है, थोड़ी अदाकारी भी इन्होंने तुम कितना कितने देखी होनी ने कॉलेज जिन पार्ट टू के एक परी की सूरत सानू नज़र आई सन और अजक साइकोलॉजिस्ट तौर पर काम कर रही ने। जी एन कहेंगे डॉक्टर नबीहा अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। अच्छा, सब तो पहले तो डॉक्टर नबीहा साहब नाल ही गल करांगे कि ये अक्सर कुछ शोभे मुंडिया ना जोड़ दिए गए ने, कुछ कुड़ियों नाल और इसे तो ने और हाले तक चल रहे हैं। डॉक्टर कुड़ियाँ बन सकदियां ने, इंजीनियर घट बन दियां ने, और मुंडे जड़े ने इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी नूं चुनना और अक्सर जो बच्चे बच्चा पढ़ना चाहता या उन्होंने कहा जाता कि ए शोभे भी है नहीं तेरी जिंदगी, तो अगो कहता माँ प्यो अगो कहते हैं कि जी एदा स्कोप की पहला सवाल, पैसे किवें कमाएगा, क्योंकि मईशत के आले दुआले सारी उन्होंने तालीम कितने ना कितने घूमती रही। सो हाउ यू डिसाइडेड टू गो टू द साइकोलॉजी एंड नॉट इन एनी अदर फील्ड ऑफ द लाइफ? सब तो पहला तो बहुत शुक्रिया थोड़ा, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। मेरे लिए जिंदगी का शायद पहला इंटरव्यू है जो मैं पंजाबी देने लगी हाँ, बट आई विल ट्राई टू कि मैं पंजाबी भी उस तरह ही बोला जिस तरह मेरा ताल्लुक पंजाब नाल है, लाहौर नाल है। ते साइकोलॉजी आखिरी शो नहीं होएगा पंजाबी पहला तो है यस। पंजाबी तो बड़ी मीठी जुबान है माशाल्लाह, तो पंजाबी सुनने वाले तो बोलने वाले दोवें ही बड़े मिठड़े लोग ने, और पंजाबी का कल्चर जड़ा है पंजाब नाल एसोसीएट तो है ही है। लेकिन अगर तुम साइकोलॉजी के नाल गल करो कि मैं साइकोलॉजी क्यों रखी, क्योंकि मेरे घर वालों की तरफ तो ऐसी कि मेरी मॉम से इसके डॉक्टर बनना है तू, बस दैट्स इट। तो आई विल ट्राई कि डॉक्टर बनना है की बनना है, बट अल्लाह ताला ने करम किया तो फिर मैं साइकोलॉजी की लाइन में चूज़ किया। सब तो वड्डी गल है कि इंसान नू समझना, रवैया नू समझना, बिहेवियर साइकोलॉजी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आर लाइफ। और मैं समझनी हाँ कि यह जिंदगी का पहला स्टैप होंदा है कि जो तुसी किसी नू अपने बिहेवियर नाल समझांदे हो कि तुसी सही हो या गलत हो। इत्थे की होंदा है कि असी सारियां नू गलत ही कह देंदे ने, तुसी गलत हो। जदों असी एक उंगली जड़ी है किसी होर वल करते हैं तो तीन उंगलियां साढ़े वल भी आदि ने, तो वह तीन उंगलियां जड़ियाँ है ये डिसाइड कर दें कि तुहाडे अपने अंदर भी प्रॉब्लम मौजूद है। बट द रीज़न इज़ दिस कि जिस तरह अख नहीं वेख सकती कि अख के अंदर की डिगया है, इस तरह ही जड़ा है असी दूसरों की प्रॉब्लम्स से समझ लेंगे ने कि यह बंदा जड़ा है ये गलत है, बट अपनी जड़ी गलतियाँ होंगे ने उन्होंने बिल्कुल सामने नहीं लैके आते। तो ये सबसे वड्डा प्रॉब्लम है साढ़े पाकिस्तान का। तो अजकल जड़ा पाकिस्तान एक डिजास्टर है, सैलाब जदगान के लिए असी बहुत काम कर रहे हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी, तो उत्थे डॉक्टर्स वगैरह भी जड़ा अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त उन्होंने दो मिठड़े बोल की जरूरत है, तो वह मिठड़े बोल सिर्फ उ लोग बोल सकते हैं जड़े उत्थे मौजूद ने, जड़े उन्होंने नाल उन्होंने धारस बना रहे हैं। तो सब तो वड्डी गल है कि तुहाडा ये प्रोग्राम बहुत बड़ी चीज़ है, इस वक्त नू कैप्चर करना, इस टाइम नू जड़ा है यूटिलाइज़ करना, तो लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना। आवाज़ किधरों भी पहुँच जाती है, आवाज़ उठानी चाहिए है। तो जो आवाज़ नहीं, जड़े आवाज़ नहीं उठाते उन्होंने तुम वेख लो कि फिर उन्होंने कोई तारीख रकम नहीं होती। डॉक्टर साहब नाले भी दसना कि असं अक्सर वेख रहे हैं कि जो वॉलंटियर्स ने वो जा रहे हैं उत्थे मदद कर रहे हैं लोगों की, दवाइया लैके जाते हैं, फूड लैके जाते हैं, पानी लैके जाते हैं, और मेडिकल डॉक्टर्स भी असं वेखे ने जा रहे हैं और फिजिकली। लेकिन इमेजिन करो बहुत दुख की गल है कि किसी माँ के सामने वह बच्चा रुड़ता जा रहा, तो वो एक ट्रामा च यकीनी तौर पर चली जाएगी। इस तरह प्यो के सामने भी यह सारा कुछ हो रहा, मावं भैं विछड़ गई, भरा विछड़ गए, जो ये वाला दुख सामने आता फिजिकली असं जर सकते हैं कोई सट लग गई है थोड़े अरसे बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन अखा के सामने घर डिगदा वेखना और बच्चे डुबते वेखना वो साइकोलॉजिकली एक बहुत वड्डा बर्डन है। तुम की दस दौ कि साइकोलॉजिस्ट को उत्थे जाना चाहिए और क्या उत्थे परमानेंटली कोई कैंप लाना चाहिए कि अच्छा आपको बहुत ज़्यादा ट्रामा च खातून चली गई है बच्चों की वजह तो उन्होंने उत्थे खाण पीन के नाल उत्थे रखा जाए ताकि उन्होंने थोड़ा जा जिंदगी वाल वापस लैके आइए। एग्जैक्टली ये प्रोसेस किवें हो सकता है तुम अपनी एक्सपर्टीज? बींग अ साइकोलॉजिस्ट, बींग अ क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं सारियां नूं यही मशवरा देंगे कि जिस तरह आम डॉक्टर जड़े ने MBBS डॉक्टर ने उत्थे जा रहे ने, फैमिली फिजिशियन ने उत्थे जाके काम कर रहे ने, साइकोलॉजिस्ट नूं भी चाहिए है कि उत्थे जान ते उन्होंने धारस बंधान ते उन्होंने दसन कि हुण यह मुश्किल आ गई है, हुण सब कुछ जड़ा है वह तबाह हो चुका है,
इन्हां नूं चीज़ां नूं वापस लाना एक पूरा प्रोसेस है, पूरा एक अमल है जिहड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। इस टाइम च मैं यही कहांगी कि साइकोलॉजिस्ट नूं तो जाना ही चाहिए है, लेकिन जिहड़े सारे माहिर नफसियात ने उन्हां नूं मिल के कुछ वीडियोज़ कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने बनानियां चाहीदियां ने उन्हां लोकां लई उन्हां दी साइकोलॉजी दे उत्ते कि इस वक्त नूं किस तरह उन्होंने गेन करना है, किस तरह उन्होंने आगे लैके चलना है। तो हुण जिहड़ा सब कुछ कहिंदे ने कि एक शख्स दा जब सब कुछ तबाह हो जाता है ना तो या तो वह बहुत बहादुर हो जाता है या वह बिल्कुल टूट जाता है। इस टाइम जिहड़ा टाइम चल रहा है ना उस वक्त भूख सब तो वड्डा जिहड़ा प्रोसेस है, सब तो बड़ा अमल है जिहड़ा सब कुछ भुला दिंदा है। तकलीफ परेशानी वो जिहड़ा घर रुड़ गया, जिहड़ा चीज़ां ख़त्म हो गई ने, डंगर सब सब कुछ ख़त्म हो गया उन्हां दा, लेकिन फिर भी एक चीज़ उन्हां दे कोल है, होप, उम्मीद, यकीन अल्लाह दी ज़ात दे नाल। अज भी तुसीं किसे दे नाल भी गल कर लो, सलाब जदगान दे नाल जाके उन्होंने तुहानूं एक ही गल कहनी है कि सानूं अल्लाह ते यकीन है, इंशाल्लाह आने वाला वक्त जिहड़ा है वो ये सारे काम जिहड़े ठीक हो जाएंगे। ये की है, ये होप है, बिल्कुल इसी तरह ही। और होप क्रिएट करनी है, होप जिहड़ी है वो साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट जिहड़े ने वो जाके कुछ लोगों की होप जिहड़ी डुब गई है खत्म भी हो गई है उन्होंने दोबारा तो जगाना और दसना कि जिंदगी अगे वध सकदी है और बेहतर हो सकदी है, बिल्कुल जिंदगी दोबारा मुस्कुरा सकती है। एग्जैक्टली गल की वड्डियां बारे तुसी क्या साइकोलॉजिस्ट नूं ऐसे लेसन प्लान या ऐसा एक कोर्स आउटलाइन बनाना चाहिए कि वो वड्डियां नूं इस ट्रॉमा चो किवें निकालन। मैं बच्चों बारे गल करना चाहवांगी, वो बहुत छोटे ने, अल्लाह ते शायद उन्हां दा यकीन हले उस तरह नहीं है जिवें असी बड़े लोगों नूं हुंदा है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन जिहड़े ट्रॉमैटिक स्टेट विच वो लोग वो बच्चे चले गए ने, तुसी की समझदे हो कि आने वाले दिनों विच उन्हां बच्चों उस यूथ विच कोई साइकोलॉजिकल इशूज डेफिनेटली आने वाले वक्त हो सकते हैं? एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल इशूज़ उत्थे बहुत ज़्यादा ने, ते बच्चियां दे वल अगर वेखो ते ओह ते मैं समझनी हां कि इस वल इस टाइम नूं जिस तरह एक्सेप्ट कर रहे ने वह बहुत मुश्किल काम है। ते बच्चियां दे नाल हो की सकदा है, हुण ते जो हो गया पर आगे की हो सकदा है, लेट सी कि असी फ्यूचर दी गल करन या उत्थे इस वेले जदों पानी पानी है हर जगह, वो मट्टी है, गारा है, और उसको किस तरह क्रिएट किया जा सकता है, जिहड़ी चीज़ ख़राब हो गई है उन्हें ठीक किस तरह किया जा सकता है। बच्चे जिहड़े होंदे ने ना वो क्रिएटिव होंदे ने, उन्हां दे माइंड दे नाल खेडना पैंदा है, उन्हां नूं दसना पैंदा है कि बेटा ये हुण जिहड़ी चीज़ ख़राब हो गई ना इहनूं ठीक किस तरह करना है। हुण जिहड़ा गारा मट्टी गंद उत्थे मौजूद है वो सफाई करदे करदे भी एक टाइम लगेगा, बट द टाइम इज़ दिस कि टाइम इज़ क्वालिटी टाइम, कि उन्होंने उत्थे की क्वालिटी टाइम जिहड़ा तुसी दे सकते हो, उन्होंने उत्थे टॉयस पहुँचा सकते हो, उन्होंने कुछ कलरफुल जिहड़े परदे ने, कुछ कलरफुल फ्लावर्स ने, कुछ इस तरह की चीज़ा जिहड़ियां उन्होंने पहुँचा सकते ने, कुछ खाण पीन दियां चीज़ा जिहड़े बच्चे लाइक करते ने जैसे चॉकलेट होगी, चिप्स ते बिस्किट जूसिस, इस तरह की चीज़ा जिहड़ियां उन्होंने पहुँचा के उन्होंने थोड़ी देर की तुसी खुशी दे सकते हो, और उस सरकमस्टांसिस मतलब निकल आएंगे। I will try to speak Punjabi but it's too difficult for me, lekin koshish main kar rahi hu ki main proper Punjabi ji tonu dasan di koshish kar rahi hu, bahut badhiya bol rahe ho, bahut zabardast doctor sahab, eh ter sariyan gallan jadon assi kar rahe san te main vekhya ki tusi waqai inj lagga ki udd ke kithe utthe pahunch gaye aur unna lokan nu nyanayan nu vekh rahe ho dubde tarde vichare aur us ik dukh di lehar jehdi hai sensitive lokan ch thodi shairan vich aur adiban zyada ho jandi hai, तो तुसी चूंकि सूफीज़म दे नाल एक जुड़त भी बनाई है वो होर इंसान नूं ज़्यादा सेंसिटिव कर दिंदा। सूफीज़म च कहा जाता कि घर घर यो अग जदों असी उड़ के वेखने आ ते हर जगह सिलसिला, तो पूरे दी पूरी टाबरी पूरे पूरे पिंड और ना सिर्फ पंजाब दे जनूबी अजला बल्कि के पी के दे विच नॉर्दन एरियाज़ दे विच बलूचिस्तान दे विच सिंध दे विच, सो पूरा ही पाकिस्तान 1/3 दसिया जा रहा कि पानी दे हेठ है इस वेले पूरी तरह, और फरदर जदों बीमारियां खुदा ना खास्ता फुटनगियां तो वो डैथ टोल भी वध जाएगा, और जिहड़ी स्ट्रक्चर हिले हुए हैं जिवें असीं बिल्डिंगां डिगदियां वेखियां ने वीडियोज़ दे विच वो भी ना किते ना किते डिग सकदियां ने या रहण दे काबल नहीं रहणगियां, ये सारा जिहड़ा कि लम्मा जिहा प्रोसैस है जिहड़ा कि दुख दा चलदा पिया। इस तरह दा पंजाब च कई दफ़ा जदों जंगां होईयां ने या कहतसाली होई है उदों सूफी बाबिआं दी जिंदगियां च वी चलिया, उदों उन्हां ने लुकाई नूं किवें वेख्या, मरदी लुकाई नूं, भुखी लुकाई नूं, जुलम सहिंदी लुकाई नूं, और उन्हां नूं फिर किवें जिवें हुण साइकोलॉजी दी टर्म आ गई है लेकिन वो अपने दौर दे साइकोलॉजिस्ट सन ते अपने अखरां राही शेरां राही वो किवें करदे सन? बिल्कुल बहुत अच्छी गल तुसीं कीती कि वो साडे बाबे जिहड़े ने उस वेले जाहिर है कि
मेडिकल डॉक्टर भी नहीं सन होंगे और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं सन, तो वो ही साइकोलॉजिस्ट सन और खसूसन रवैया की गल की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब ने तो साढ़े सूफी जड़े ने बाबे ने इन्होंने रवैये नाल ही तो लोगों तब्दील किया और अपने रवैये नाल कि उन्हां च वंड नहीं पाई, जिहड़ी थां आपू बह के रोटी खा रहे ने उत्थे माड़े बंदे नूं बिठाया, गंदे नूं बिठाया, मैले कचैले नूं बिठाया और उन्हूं एहसास नहीं होण दिता कि वह इस वेले जख्मां नाल भरिया या मिट्टी नाल भरिया होया, तो उन्हों अपनाइयत का एहसास दिता। सब तो वड्डी गल है कि अपनाइयत का एहसास जाना और अपने रवैये नाल साबित भी करना। गल्लां कदियां तां वक्खरी गल होंदी ने कि तुसीं किसे नूं नसीहतां करदे रहिंदे हो कि इंज करो, लेकिन साढ़े बाबे ने अमली तौर ते उन्हां नूं अपने नाल बिठाया और उन्हां दे दुख वंडे ने और फिर नफसियाती हवाले नाल, क्योंकि असीं गल कर रहे हां अज ते उह नफसियात जानदे सन लोकां दी और उह उन्हूं लुकाई नाल राबता करन लई सब तो पहली नफसियात है कि उन्हां दी जबान च गल करना, उन्हां दे दुख नूं महसूस करना कि उन्हां नूं दुख है की है, उन्हां नूं रोटी दी भुख है। हुण तुसीं देखो कि सारे दरबार जिहड़े ने वड्डे बाबिआं दे उन्हां ते लंगर दा इंतजाम हुंदा, उन्हां ते रिहायश दा इंतजाम हुंदा। इंसान दे वड्डे दो दुख ने ना, और जरूरतां वी तुसीं कह लो कि उन्हूं रोटी भी चाहिए और आसरा भी चाहिए सिर छुपाण दा, ते ओह सारे साढ़े दरबारां ते है ने कि कोई बंदा कचहरी आंदा लाहौर ते ओह बाबा दातागंज बस जाता है उत्थे जाके रोटी भी खाता है तो राती उत्थे बरामदे च लम्मा भी पै रहा है। ऐसे तरी सारे साढ़े बाबयां दे नाल जिहड़ा लंगर जुड़िया होया है फैज़ है, यानी मॉडर्न जिहड़े मिलेनियल जिन्हां नूं फूड एंड शेल्टर दी टर्म यूज करदे ने दोनों, ते बेसिकली एक आसरा ते एक लंगर। लंगर दूसरी गल डॉक्टर साहब ने कही कि होप उन्हां लोकां च है, मैं समझनी हां कि होप उन्हां लोकां च है कि जिन्हां दा दुनियावी समान खत्म हो गया लेकिन टब्बर बच गया। बिल्कुल ठीक है कि उन्हों का घर रुड़ गए, मवेशी रुड़ गए, उन्हों का समान, उन्होंने हर शै, लेकिन बच गए। उन्होंने कहा शुक्र है जान बच गई, असं फिर बना लाँगे। लेकिन एक वालद जिंदा रह जाता सारी औलाद रुड़ जाती है, असं देखे तुम सब ने देखे। ऐसे तरह कोई माँ रह जाती है तो सामने बच्चे रुड़ जाते हैं, उत्थे होप नहीं रही, उत्थे दुख ही दुख है, अथरू ही अथरू में उन्होंने अथरू पूंजन की लड़ है, उन्होंने गल ना लाने की लड़ है। क्योंकि असी ये पिछले दिनों से एक सारे सोशल मीडिया से अर्थों में ही कि एक बाप दे सारी औलाद रुड़ गई और रोंदा रहा, फिर आखिर कंडे ते बह के कंडे च बह और फिर उन्होंने ढूंढन लग गया और फिर खुद भी रुड़ गया, क्योंकि वो वास्ते हयाती बड़ी औखी सी उस वेले। अगर उन्होंने कोई गल ना ला लैंदा बंदा, जाहिर है सारे उत्थे वक्तां च पए होए ने, तो एक जान नूं बचाया जा सकता और उस जिहड़ी जान बच गई उहदे च बड़े नफसियाती मसले पैदा होने ने। उन्हां बच्चों के जिन्हां दे वालदैन छोटे छोटे बच्चे देखे ने असी, उन्होंने संभालने की बड़ी लोड़ है और अपने रवैये नाल उन्होंने एहसास दवाना ममता का और अपनाइयत का, यह बड़ी इस वेले लोड़ है। और खजस्ता ने उन्हें कहा कि उन्होंने रोटी की तुसी क्या पानी की, तो जल्दी बीमारियां बहुत फैल रही ने और अजीब तरह के उन्होंने पूरे जिसम से एक खून नाल एक अजीब तरह के जख्म ने लोहे जे दाने हाँ, जे और बड़े अजियतनाक ने, तो उहदे लई मेरे ख्याल है कि उन्होंने दवाइया की भी बड़ी लोड़ है और दवाइया भी भिजवानियां चाहिए। जो असीं कोई उन्होंने पैकेट बनाइए तो उहदे च दवाइया भी रखिए जिल के हवाले नाल, क्योंकि ये भी बड़ी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जी, दवाइया की बहुत जरूरत है इस वक्त और जो मौसम चल रहा है मच्छर का, मच्छरदानियाँ और ऐसे लोशन वगैरह जो उन्होंने मच्छरों तो बचा सकते, दवावां और दवावां दोनों की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तुहाडे कोलों मैं पूछना चाहूँगी कि देखो इंसान बंदा बंदे दा दारू है, बंदा बंदे नाल ही गलबात करके अपने दुख वंड सकदा है। Exactly. इस सोशलाइजेशन जिहड़ी फेस टू फेस है, ये किन्नी अहम है सोशल मीडिया दी सोशलाइजेशन दे निस्बत? सोशल मीडिया ते एक वॉर है, ते साइलेंट वॉर जिहड़ी है साडे अंदर वस गई है। जिहड़ा ये टेक्निकल फॉर्म्स आ गईयां ने ना, व्हाट्सएप है, तुहाडा मोबाइल है, बस गल कर लेती ते कम हो गया, साडी मुलाकात हो गई। जिहड़ा सोशल डिस्टेंसिंग है ना, वो घर वसन वाले लोगों के विच ही है। जिहड़े तुहाडे भरा ने भैन ने वो की करते हैं कि 24 घंटे मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया से कोई स्टोरी अपडेट हो रही है, तो कोई अपलोड हो रही है, तो कोई डाउनलोड हो रही है, यही काम चल रहा है। किसी नूं नहीं पता कि दूसरे की तकलीफ की है, किसी नूं नहीं पता कि किसी कोई दूसरा किस प्रॉब्लम विच है, एक घर रहिंदे होए भी। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ। ਲੰਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਖਰਨਾ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੰਬਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਟਨਾ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਲੰਗਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਵਸੇਬ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੋਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਪਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੱਬਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਜ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਇਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਮਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਪੱਕ ਗਈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਂ ਕੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਜਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਉਹ ਡਾਊਨ ਦੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸੀ ਮਾਮੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਫਲਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚਮਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੜੀ ਛਿੱਕਾ ਖੇਡਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਕਿ ਚਲੋ ਆਓ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲੀਏ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਡਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੌੜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਲ ਵਾਪਸ ਆਣ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਂਕਰ ਬਣ ਸਕਣੀ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਵੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਂਕਰ ਕੈਸੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਓਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਤੋਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ
ते साथ जड़ा है असी बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर्स जिन्हें मेरे नाल बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने तो मैं एज अ चाइल्ड स्टार इंट्रोड्यूस इतों मैं PTV तो हुई तो बहुत कम लोग जानते हैं अक्सर लोग यही जानते हैं कि मैं एज अ एंकर परसन जरा स्टार्ट किया एक निजी चैनल तो किया तो ही मेरा नाँ जरा मनसूख कर दिता बट मेरी हमेशा तो कोशिश रही है कि मैं लोगों लिए कुछ करा जो मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं भी तद भी मैं एक कोशिश मेरी रही है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहाँ समाजी कोई किसी को प्रॉब्लम है किसी का कोई मसला है किसी की कोई टेंशन है किसी ना किसी कह के और मसले जड़ा है वह हल निकाल लेता बट जड़ा एंकरिंग है ना वह बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्कुल पूरा शो एंकर लेके चलने ने इसलिए तो एंकर कहते हैं यस तो एंकर तुम्हारा सही ना हो तुसी 2 लाख का भी सैट ला लो पर वो किसे काम का नहीं तुसी एक कुर्सी रख के एक चंगा जिहा बंदा अच्छा बोलने वाला जिन्हों सेंस है वो बिठा लो तुहाडा प्रोग्राम हिट हो जाएगा ए एंकर तो अज दे एंकर तुसी वेख लो की करते ने घर काम करते करते उठ के जिहड़े TV च बह जाते हैं आके मिलनगियां नाज़रीन मुड़ के वापस आ गए पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो मेरा नाल ही उस्मान बाजवा है मेरे नाल डॉक्टर मुतजल्ला खुशाब बैठिया ने इन्हों को बहुत ज़्यादा सवाल ने जेडे कि इन्होंने प्रौहणियों को पूछने ने मेरे को थोड़े घट सवाल होंगे ने लेकिन गल चो गल निकल जाती है और मेरे बहुत ज़्यादा सवाल वापस आ जाते हैं। अच्छा जी वापस आ रहे हैं और एक गल हो रही थी एक तो डिसकनैक्टिविटी की गल हो रही थी और एक गल हो रही थी कि लोग कल्ले अकलापे का शिकार किवें ने जिवें तुसीं शेयर भी दस्सिया घर दे विच रह के भी एक दूजे नाल डॉक्टर साहब तुसीं जिन्नी भी साइकोलॉजी पढ़ी और अप्लाई की और लोगों का बिहेवियर वेखिया उन्होंने जेन च रखद हो दसो कि घर जड़े ने साडे उन्होंने घर किमें बनाया जा सकता न्याणे किमें माँ प्यो के कोल मुड़ के वापस आ सकते हैं किमें मावं जड़िया ने फिर तो लाड कर सकदियां ने लाड खड़ाने जिन्हों कहते हैं लाड लडाने वो किमें हो सकता कि असी मशीनों तो हालांकि टैक्निक जी एडवांस चाहते हो 20-25 साल पहले वाली जिंदगी फिर वापस आ जाए नहीं जी 20-25 साल जिंदगी वापस ना आए 20-25 साल पहले जो मुहब्बत और जज्बे सन वो वापस आ जाए क्योंकि गैजट्स इतने रह जाने ने और गैजट्स जोड़े ने तो वैसे ही मशीन ने और असी इन एडवांसमेंट भी नहीं की टैक्नोलॉजी लेकिन जो नैगेटिव एस्पैक्ट है ज़्यादा चुक लिया पॉजिटिविटी साढ़े वाल आई नहीं असी मतलब सोलर एनर्जी वाल उस तरह नहीं गए असी बाकी एनर्जी उस तरह नहीं बना रहे कार्बन एमिशन तो नहीं बच रहे लेकिन नैगेटिव चीज़ा चुक लिया ने एक्चुअली जिद से तुम काम करोगे ना उ चीज़ प्रजेंट होएगी तुम पॉजिटिविटी पर काम करते तो पॉजिटिविटी प्रजेंट होंगी अज काम हो रहा नैगेटिविटी के तुम सोशल मीडिया चुके वेख लो सारी साड़ी न्यू जनरेशन जी है वह सोशल मीडिया लाइक करती है मीडिया के चैनल्स TV चैनल्स किन्ने लोग वेखते हैं अज भी साढ़े उ 20-25 साल पुराने लोग जड़े मुहब्बत वाले लोग सन जड़े प्यार वाले लोग सन उ वेखते ने प्रोग्राम वेखते ने लेकिन अज भी जरूरत इस चीज़ की है कि अपने बच्चों अपने नाल रलाओ अपने बच्चों अपने नाल रला के उन्होंने दसो कि की चीज़ आती है मुहब्बत की चीज़ आती है अदब की चीज़ आता है आज जी कमी है वह अदब की है मावं जड़िया ट्रेनिंग कर दिया सन ना आज तो 10 साल पहले भी ना जाओ तुम 20-25 साल पहले पर 10 साल पहले भी तुम मावं का करैक्टर वेखो तो वह अपने बच्चों को समझा दिया सन ये गलत है ये ठीक है बट आज दी माँ की कहती है तू ये गलत किया चल ठीक है ओके गलत कर दिता है हूँ नैक्सट टाइम ना करी हूँ उन्होंने नहीं पता कि मैं गलत किया नहीं किया माँ ने कह दिता वो पूरी प्रेजेंटेशन वेखो बच्चा की कर रहा है बच्चा मोबाइल फोन पर है तो वेख रहा है कि टाइम वो मोबाइल फोन पर रहा है पढ़ाई कि बच्चा जड़ा है एक्टिव है तो अदब कि एक्टिव है सब तो वड्डी गल है कि आज बच्चे माँ बाप ने चुके जड़ा है कोई भी गल कह दें तो नहीं पता तुसी चुप रहो सानू पता है ए सानू पता है वर्ड कितों आया इस सोशल मीडिया ने क्रिएट किया सानू पता है तो नहीं पता जिन्ना जदीद दौर होएगा
उन जिन्नी जदीद मशीनरी होएगी उन्ने जदीद बच्चे होंगे। सिंपल जड़ी गल है। अच्छा नबीया साहब, तुसी विच सोशल मीडिया का जिक्र किया और टीवी चैनल्स का कि नेगेटिविटी प्रमोट की गई और फिर सोसाइटी फैल गई। नो टीवी चैनल्स नो। अच्छा मैं गल नहीं की टीवी चैनल्स की, मैं सोशल मीडिया की गल की। मीडिया बहुत वड्डी गल है। मेन स्ट्रीम मीडिया के जिहड़े एंकरस ने, मेन स्ट्रीम मीडिया से जिहड़ी गल हुंदी है, जिहड़े साढ़े टीवी चैनल्स गल करते हैं, ओथेंटिक हुंदी है। साढ़े उत्ते पैमरा जिहड़ा बैठा होया है, बट सोशल मीडिया से कोई नहीं बैठा। अच्छा, थोड़ा जिहा सख्त सवाल है। नैगेटिविटी तुसीं गल कर रहे हो कि वो ओथेंटिक हुंदी है, लेकिन वो भी कुछ गल्लां चैलेंज हो जाएं, बड़ा कुछ हुंदा। लेकिन टीवी चैनल्स के उत्ते अक्सर लोगों को इतराज होता है एंकरस से स्पैशली। एग्जैक्टली यह बीबी अग लैण वाली बीबी है, इन्हें तीन चार पार्टिया के बंदे बिठाए ने, तो गल जो किसी पास टुरन लगती है तो यह डक के तो लड़ाई पवा दें। क्या यह दुरुस्त गल है एंकरस के हवाले न कि उन्होंने का जोड़ा काम है वो लड़ा, या किसी मुद्दे पर सिर हासिल गुफ्तगू जिन्होंने उर्दू च कहते हो कि कोई मसले का हल कढ़ना होंगे? नहीं नहीं, एंकर जड़े ने वो लड़ाने लिए नहीं बैठे हुए। अच्छा, यह आप ही कोई लड़ पे तो एंकर कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पर। यह तुहाड़े प्रोग्राम च दो बंदे आन ते ओ दोनों का अलग अलग अंदाज होए, सोचने का तरीका अलग होए, उन्हां दा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होए, ते तुसी कुछ नहीं कर सकते। उत्थे अगर बैठे बैठे किसी की लड़ाई हो जाए ते ओ एक दूसरे नूं जिहड़ा अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर देन, ते कुछ नहीं कर सकते। इहदे च कोई एंकर का फॉल्ट नहीं है, इहदे च फॉल्ट है तरबियत का, इहदे च फॉल्ट है रवैयां का, इहदे च फॉल्ट है कि तुहाडे कार च तुहानूं इह वेखण लई मिलिया है कि तुसीं जिहड़ी चीज़ लैनी है वह बदतमीजी करके लैनी है। एक चीज़ होर जिदा घाट है जो मैं समझना वा, अपने बच्चों से यह नहीं सिखाते कि जिवें तुसीं सोचते हो जरूरी नहीं कि सारे सोचण, तो दूसरे की जिहड़ी भी सोच उहनूं अपना लो, दूजे का नज़रिया भी समझ लो। अच्छा अच्छा नज़रिया अच्छा होवे, या कोई भी एक चीज़ के दो पहलू भी हो सकते हैं, वो दो भी अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन असी एक साइड पर बंदा इस पास्यों वेख रहा दूजा उस पास्यों, उन्हें समझना और सुन लैना बजाय इसके लड़ना शुरू कर देना, यह भी थोड़ा कितने ना कितने घाट है। यह भी ठीक है, पहली गल है कि तुम जो सोच के बोलते हो ना तो अपनी गल वापस नहीं लेंदी पैंदी। प्रॉब्लम इज दिस कि असी इत्थे बोलते हैं कुछ भी जिहड़ा साडे मुँह च आए, जिहड़ी गल आए, जिहड़ी पहली सोच आती है वो सही है, बस फिरका वारियत वेख लो, तुसी झूठ वेख लो, वो क्यों ऑन हो चुका है? क्योंकि असी काम नहीं किया पॉजिटिविटी। डॉक्टर साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਨੇ ਸੁਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੁxtਲਫ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੋਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁxtਲਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁxtਲਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। सब दी सुनी, उन्हें बर्दाश्त किया, फिर उहदे च कोई एक पहलू उन्हें कहा पहले रोटी खा लै बह जा फिर गल करने आ, ये चीज़ माशरे च भी गायब हो गई, इस बारे की कहो? बिल्कुल। अच्छा मैं वो गल करन तो पहला जिहड़ी तुसी गल कर रहे सो उहदे बारे च गल करांगी। एक ते तुसी कल्ले अज तीन डाक्टरां च फस गए हो ते वो तुसी गल कही कि डाक्टर साहब ने कहा कि मुहब्बत दसण, वैसे वो रंग भी तुसी मेरा मरीज वाले बनाता क्योंकि मरीज ज्यादा बोलते हैं उन्होंने फलानी बीमारी मैं पीड़ ते एक ते मैं इख्तलाफ करांगी कि मुहब्बत दसण नाल नहीं करन नाल हुंदी है। कि तुसी बच्चे नूं मुहब्बत बारे जितनियां मर्जी गल्लां दसते रहो उहदे ते असर नहीं होएगा, मुहब्बत करके उहदे नाल फेर समझाया जांदा है। और असी लम्स दी गल करे सी उहनूं बच्चे नूं तुसी जदों गले नाल लाओगे ना ते फेर उहदे अंदर तुसीं अपनी अपनियां सलाहितां अपना प्यार अपनी पॉजिटिविटी मुंतकिल कर रहे हुंदे हो। तुसी देखो साडे बाबे जिहड़े ने जदों किसी नूं बैत करदे सन ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਮ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲਮ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਮਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ
कि तुसी क्या है कि आज दी नस्ल दे जिहड़े बच्चे ने वह कहिंदे तुहानूं नहीं पता। मेरा ख्याल है हर नस्ल के बच्चों का मसला है कि असीं भी अपने वालदां नूं इह कहिंदे सां क्योंकि हर नस्ल पहली नस्ल नालों अगे हुंदी है। हुण जिहड़ी साडे बच्चे ने साडे नाल बहुत अगे ने, भावें असीं PhD या जो कुछ हाँ लेक पूरी दुनिया फिरी है, लेकिन मेरे बच्चे मैनूं मेरे तो अगे ने। और बाज कद मैं पिछे जे उहदी क्लास फेलो जा रही तो मैनूं समझा रही कि मेरी मां मेरी क्लास फेलो सामने यह गल ना करना है, मैं क्या पुत्र मैं नहीं करांगी, ठीक है। उस वेले मैं बड़ा मैनूं आसा भी आया कि हर नस्ल ही इस तरह आउंदी है, इहदी वजह किस तरह असीं ठीक कर सकते हैं कि ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਕੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਣਾਓ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਨਰਵਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਕਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਬਸ ਹਵਾ ਝੁੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ TV ਤੱਕਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਤੱਕਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੁਤਜੱਲਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਅਨੀਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਲਵ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਲਮਸ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਛੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਨਹਾ ਔਰ ਮਹਿਰੂਮ ਸਮਝਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਕੌਣ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸਰਾਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕਰ ਪੜਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਕਿਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਾਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਫੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਭਰਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਸੂਫੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
वह उन्होंने नहीं आखता कि तू अपना मजहब छड़ दे अपना कीदा छड़ दे ऐ कर वह कहता कि जिहड़ा भी तेरा कीदा है रब नाल प्यार कर ते रब दी मखलूक नाल प्यार कर उस तो बाद जो अपने वाल उन्होंने लैके आंदा अपने चंगे रवैये दे कि वह उसे दस्तरखान ते बह के रोटी खा रहा है उहदे नाल गल कर रहा उहनूं सीने नाल ला रहा है उहनूं सारियां जरूरतां उहदियां पूरियां कर रहा मिठे बोल बोल रहा है वह फिर देखदा कि जिहड़े मजहब दा मन्नण वाला यह है वह मजहब किहड़ा चंगा होएगा वह फिर उन्होंने कशिश है उड़ी छिके लिया और उन्होंने एक जोड़ दी एक वसी टब्बर ना बिल्कुल इस तरह ही है। नबीहा साहब मेरे जहन च ये गल आ रही थी जो इंट्रोडक्शन होया दसिया कि 101 सुहाणियाँ चुनिया गई उन्होंने तुम्हें भी 100 लेकिन वो पिछे एक जर्नी भी सी जाती मेहनत तो होंगी है लेकिन जो थोड़े पेरेंट्स होंगे ने जो बार बार असं जिक्र कर रहे हैं तो वालदा ने थोड़ी तरबियत की तुम्हें कुछ चीज़ा सिखाइया तो फिर तुम इतों तक पहुँचे और सारा कुछ किया अपनी वालदा के हवाले सूँ ये दसो कि उन्होंने किस तरह ट्रेनिंग की ताकि असं समझ सकी कि मावं जड़िया ने कामयाब खवातीन किमें धियाँ किमें बना रही ने। एक कामयाब मर्द के पिछे औरत का हाथ होता है लेकिन कामयाब सुहाणी पिछे माँ का हाथ होंगे ये लोग घट दसते हैं इस बारे थोड़ा जहा दसो। मेरी वालदा जी है वह एक सूफी टच उन्होंने अंदर जोड़ा ना मैं वो नज़र आया बचपन तो वह बहुत मतलब मैं तो इस तरह टीवी च बह जाती हाँ आके बट वह पूरा नकाब करते हैं पूरा उन्होंने कवर होंगे आज तक किसी ने उन्होंने चेहरा नहीं वेख्या वह सामने इस तरह नहीं आए। उन्होंने सानू जिहड़ी तरबियत दी ना वह बड़ा क्रिएटिविटी पढ़ी लिखी खातून तो उन्होंने सानू जिहड़ी सुबह साड़ी अंख खुलदी सी ते सूरह यासीन ते सूरह रहमान की तिलावत जिहड़ी घर च लगी हुंदी सी और असी काफ़ी दफ़ा जिहड़े कहिंदे सी अम्मी की है सुबह सुबह ये तिलावत सोन दिया करो सानू नींद आ रही हुंदी है बट वह कहिंदे सी नहीं ये बरकत है जिस दिन मैं नहीं लाई मैनू ये जिहड़ा है कॉन्सैप्ट आता है कि शायद अज यह बरकत जिहड़ी मेरे घर च नहीं है तो तुसी यह बर्दाश्त करो तो तुसी टाइम ते उठो सही ये मजहबी एस्पेक्ट हो गया yes, मजहबी जो तरबियत के हवाले जिम्मे दुनिया ना किमें लड़ना है माड़े चंगे नाल बिहेव किमें करना है बर्दाश्त किमें करना है। मेरी वालदा बड़े सॉफ्ट स्पोकन ते बड़े सॉफ्ट हार्टेड परसनैलिटी ने ਉਹ ਬੜੀ ਡਰਪੋਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਕਲਾਸ 'ਚ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 3 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਐਜ਼ ਆ ਡਿਬੇਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਆ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਵੀ ਬੈਸਟ ਕੰਪੇਅਰ 2005 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਕਅਪ ਕੀਤਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀ ਟੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਧੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਧੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਬਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਅਗਰ ਹੱਸਦਾ ਬੱਚਾ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਹਮ ਆਂਗੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮਦਰਸ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਮਦਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਫ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਇਕੱਠਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ
जिस तरह के अजकल बच्चे साढ़े फास्ट फूड खाते हैं तो वह भी फिर बड़ा खुश होंगे कि मेरी माँ ने मेरे लिए खुद बनाया वो बहुत ही एक उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का नूर फैल जाता जो उन्होंने पता लगता कि मेरी माँ ने गर्मी च और खुद इतनी खेचल करके इतना कुछ है तजर्बा किया भावें माड़ा भी बने तो जरूर खा लेंदी है लेकिन बहरहाल मैं ठीक ही बना लैनी हाँ ऐसे तरह मैं कहनी हाँ कि बच्चों को अहमियत देनी जिसने पहला क्या है कि इजहार करना अच्छा भाई पता उदन लगेगा जो नहीं मैं पता क्योंकि सूफिया मनने वाला बंदा तो मैं समझनी हाँ कि वो जड़ा ना एक एक दस्तरखान वसी होना चाहिए और खाना पकाना चाहिए और वंडना चाहिए और मैं कई बार अक्सर दफ्तर भी लैके आनी हाँ खुद खाना पका के और जो संडे ने मतलब वड्डी सारी आंटी पका ली और मैं इशफाक साहब को गल सीखी सी उन्होंने बड़ी मुहब्बत सी सानू इशफाक अहमद साहब ने जिस तरह वो उन्होंने अंदर ये चीज़ा सन तो मेरे ख्याल है कि ये होना चाहिए कि सानू अपने कोलीग्स नाल भी एक इस तरह का रवैया और एक बरताव रखना चाहिए कि ये भी मुहब्बत वंडन वाली गल होंगी है कि कट्ठिया बैग तुम खाना खा रहे हो जो थोड़े क्लास फोर भी ने ऑफिसर भी ने कलर्क भी ने सारे लोग बैग खाना खा रहे हैं तो इस तरह असं गल बच्चों की कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है कि बच्चों तुम पॉजिटिव नैगेटिव की जोड़ी भी गल दसोगे अमल न दसनी अगर मैं जो किसी की मदद कर रही होंगी असं गड्डी कट्ठे बैठे होने तो किसी जगह पर मदद कर रही हूँ तो देख रही होंगी है कि मेरी माँ और मैं कई बार होंगे कि जी छोटे मतलब कुछ छली बेचने वाला है तो कोई बच्चा बंदा कहने कोई पैसे घट करा मैंने ना पैसे घट कराओ वो प्लीज़ असी तो चीज़ा सारिया नोट कर रही होंगी चीज़ मेरी बेटी इसलिए मैं समझनी हाँ कि बच्चे असी अपने अमल न जरा सिखा सकते हैं उन्हें तकरीर नाल नहीं कह सकते कि यह कर वह चीज़ा फिर वो जेहन तो बह जो जरूर करेगी कम तो दूसरी गल है कि अपने आप जो वंडिया होया ना अस बहुत सारा कि बहुत सारिया साड़िया ख्वाहिशात च मुतालबात और जो कुछ साढ़े को जो फर्क है वह सू एंगजायटी और टेंशन दे रहा है तनाव किसी वेले कर लेनी चाहिए और जो कुछ है वो खुश होना सीख लेना चाहिए बिल्कुल जो रब ने लिखे वो भी लभना ही लभना कोशिश जरूर करनी चाहिए है लेकिन एक करम होंगे अगर थोड़े तो खास चीज़ का करम है मैंने नहीं मिली तो मैं कोई होर चीज़ रब ने दी है ना वो मुकाबला मैं करने की लड़ नहीं कि मैं भी उस सीट मैंने उन्हें इस सीट लिए पैदा किया तो मैं इस सीट से शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र का लफज मैं क्या तो मैं शुक्र अदा करना सीख लीए ना शुक्र खुश रहना मैं हूँ बाजवा साहब तुम दसा कि मैं कहनी हाँ सुनने वाले भी इस गल तो बड़ी सीख सकते हैं और सेहत पर बड़ा असर पैंता है मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही वहाँ तो मैं ठीक तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ जाता मैं शुक्र अलहमदुलिल्लाह कहनी हाँ सुबह मेरी नमाज वेले अख खुल जाती है शुक्र अलहमदुलिल्लाह मेरा बच्चा स्कूल टाइम नाल टुर गया शुक्र अलहमदुलिल्लाह एक अजीब तरह का सुकून है ये शुक्र करना बिल्कुल अपना एक रबता रखो बिल्कुल एंकरिंग की असी गल की और तुहाड़ी साइकोलॉजी के हवाले ना जर्नी और फिर वालदा ने किस तरह तरबियत की और बाद च जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ किवें काम आ रही है वह भी असी सुनिया लेकिन तुहानू असी एनक वाला जिन पार्ट टू दे विच एक जादू करन वाली परी जिहड़ी है अच्छी परी बन के भी तुसी विखाया लोगों लेकिन अच्छी परी स्क्रीन तो अदाकारा दे रूप च थोड़ी जी गायब है या हुण अदाकारी वाल जाण दा मजीद कोई है इरादा या एंकरशिप ही ज़्यादा बेहतर लग रही है एक्चुअली अदाकारी टाइम टेकिंग चीज़ है बहुत टाइम देना पैंदा है ते अदाकारा होने लई तुहानू सारी एक्सपर्टीज तुहाडे अंदर होनी चाहिए ने तुहाडा जिन पार्ट टू नाल किवें जुड़े तुसी अच्छा वो बड़ी पुरानी गल है मैं एज अ चाइल्ड स्टार मैं ज्वाइन किया सी सफदर सहर साहब करते सन उस टाइम एनकला जिन पार्ट टू तो एक गोल्डन परी होंदी सी ते एक सिल्वर परी तो मैनू याद है कि मैं शायद सिल्वर परी का करैक्टर किया सिल्वर परी बड़ी पॉजिटिव तो बड़ा अच्छा वो सारियां नू मतलब देना एस्पेक्ट तो मैनू वो याद है तो आई थिंक मेरे को तस्वीर भी मौजूद है जिहड़ी उस टाइम खिंची सी तो मैं अक्सर एज अ चाइल्ड स्टार पी टी वी और तस्वीर अपनी अपने इंटरव्यू शाया करांदी हां जिथे भी इंटरव्यू मेरा जाए मैं लाजमी वो एज अ चाइल्ड स्टार जिहड़ी है मेरी वो तस्वीर चलती है तो आई फील प्राउड माई सैल्फ कि मैं पी टी वी तो अपना आगाज किया पी टी वी एक अकैडमी है तो बहुत बड़े बड़े नाम इतों एज एन एंकर भी तो एज एन आर्टिस्ट भी निकले ने तो पी टी वी ने दिल खोल के हर उस बंदे का इस्तकबाल किया है जिहड़ा टैलेंटेड है अच्छा घर की तरबियत तो असी सुन ली थोड़े को पी टी वी की तरबियत थोड़ी जी दसो क्योंकि हुण तुसी निजी चैनल से भी काम कर रहे हो इस इदारे ने तुहानू की सिखाया जिहड़ा हुण तुहाडे काम आ रहा पी टी वी ने मैनू उर्दू सिखाई अच्छा पी टी वी ने मैनू तमीज़ सिखाई पी टी वी ने मैनू तलफ़ुज की अदायगी सिखाई पी टी वी शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब बहुत वड्डा नाम बहुत वड्डा नाम जिहड़े मैनू पी टी वी च लैके आए सी मैं पहली बारी खत लिखिया सी पी टी वी क
कि मैं एक जड़ियाँ अच्छी स्टूडेंट हाँ, मैं बोलना आंदा है तो तुसी मैं जड़ा है अपने पीटी विच चांस दे। उन्होंने मेरा जड़ा है वह खत मुनज़ा हाशमी साहिबा दे कोल गया, वो जी एम पी टी वी सन उस वल, तो उन्होंने मैं बुलाया और मैं बड़ी तैयार शार होकर पी टी वी आई। तो सब तो पहले शौकत ज़ैन अलाबिद्दीन साहब ने कहा कि बेटा अगर तू एंकर बनना है ना तो तू कांटे नहीं पाने, ये जो तू वे वे कांटे पाए ने ना ये पहले ये उतारो। ए एंकरशिप च सब तो वड्डा कांटा है। यस ओ दिन ते आज दा दिन मैं कदी लंबे कांटे किसी शो च नहीं पाए। सही, मैं हमेशा ए टॉप्स तुसी वेखोगे एज एन एंकर परसन अपने आप नू जड़ा मैं प्रेजेंट कीता। उन्होंने मैनू उठना बैठना तलफ्फुज ए सारी चीज़ सिखाई, तो उन्होंने पहले मैनू कहा कि ए स्क्रिप्ट है ए पढ़ो, जे तुसी पढ़ लिता ते मैं तुहानू खवातीन टाइम्स इत्थे मॉर्निंग शो चलदा सी मैं तुहानू ओ एंकर शिप जिहड़ी है वह दे देंगा। अच्छा मैं पढ़ के मैं कहा मैं पहले कभी पढ़िया नहीं स्क्रिप्ट, तो मैं हूँ बच्चों के प्रोग्राम तो मैं करती आ रही सन, पर ये मैं मैट्रिक की गल कर रही हूँ जो मैं मैट्रिक किया। अच्छा पहली दफ़ा वैसे अगर इदारे के अंदर दाखिल होए और तुहाडे ज़हन च कोई चीज़ होएगी कि अंदर पता नहीं की कुछ जादू नगरी है वो ऐसा साथ तुहाडे की, क्योंकि लैटर लिखना घर बह के टीवी पर कोई अलहदा एहसास है, लेकिन जो तुहानू बुला लिया गया और तुसी आए तुसी की सोचिया, जिवें तुसी दस रहे हो कि बड़ा तैयार होकर मैं आई, तो ज़हन च की सी कि अंदर की होएगा, एक्साइटमेंट की सी? एक्चुअली मैं एक्ट्रेस बनने का बहुत शौक सी, तो मैं एक्ट्रेस वेखती सन कि पी टी वी जड़ियाँ एक्ट्रेस काम कर दिया ने ते ओ बड़ा तैयार होंदिया ने लंबे लंबे चुमके ते अच्छे अच्छे कपड़े, तो मैं उही समझ के ना उही करैक्टर जड़ा है करके तो मैं आ गई सन। पर मैं ये नहीं पता सी कि एंकर एंकर होंदा है, उदी एक प्रेजेंटेशन होंदी है एक स्टाइल होंदा है जड़ा वो कैरी कर रहा है तो वो खूबसूरत लगता है, तो वह मैंने सिखाया शौकत ज़ैन अलाबिद्दीन साहब ने ते मुनज़ा हाशमी ने। आई एम रियली थैंकफुल टू पी टी वी खास तौर पर कि पी टी वी मेरा होम चैनल तो मैं आगाज़ किया, तो अज मैं जो कुछ हाँ पी टी वी दे उस टाइम के जोड़े प्रोड्यूसर्स जोड़े काम कर रहे थे, तारिक अजीज़ शो मैं बैदबाजी जाती सी, तारिक अजीज़ शो के जोड़े प्रोड्यूसर साढ़े उन्होंने मैनू बहुत अगे लैके आए, अज तक वो मैनू मतलब जानते ने बड़ा सलाम दुआ, मैं सर दे नाल बड़े प्यार मुहब्बत नाल उन्हां दा मेरा ताल्लुक, तो मैं किधर भी नज़र आ जावा तो यही कहते हैं कि तू बहुत मेहनत की है तो मेहनत नाल अपना मुकाम बनाया है, तो यह प्लेजर्स ने बहुत वधिया, अल्लाह दा फजल है, बहुत वधिया कहानी है, बहुत शुक्रिया। और ये लंबी जर्नी जड़ी होर मजीद लंबी होगी बचपन तो शुरू होकर तक पहुँची है, और फर्दर भी तुसी जो कुछ सीखिया पी टी वी तो वो बाकी चैनल से जाके अप्लाई भी करोगे और एक अपना किरदार अदा करोगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो, अगली बारी बवेंगे जड़ियाँ चार गल्ला रह गई हैं वो भी तुहाडे को सुनांगे और जानने की कोशिश करांगे, और दुआ करांगे कि उदों तक जो साडे डॉक्टर साहब हालात ने सलाबजदान के बेहतर हो चुके हों, लोग जो अपने घर वस चुके हों और असी एक बेहतर पाकिस्तान वेख सकी, और डॉक्टर साहब का तुहाडा भी बहुत हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि तुसी ऐसियां गल्लां साडे नाल सांझियां कर दिओ कि जिहड़ी जिवें एक छां जी हुंदी है ना वेड़े दे विच, उस तरह वो सानू सिखाते भी समझाते भी वो भी वधिया लगता। अगले प्रोग्राम में बवेंगे और बाकी गल्लां करांगे। नाज़रीन वेला हो गया निक्की जी ब्रेक का, ब्रेक पर जावांगे मुड़ के वापस आवांगे तो दो होर परौणे साढ़े स्टूडियो में होणगे, उन्हां नाल ढेर सारियां गल्लां करांगे, रहना साढ़े नाल। मुड़ के वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर, तो अली उस्मान बाजवा मेरा नाम है, डॉक्टर मुतजल्ला खुशाब मेरे नाल मौजूद है ने, और ब्रेक तो पहले दो डॉक्टर साहबान साढ़े नाल मौजूद सन और उन्होंने ढेर सारिया गल्ला हो रही सन, और हूँ फिर दो डॉक्टर साहब साहबान जड़े ने स्टूडियो में आ गए हैं और इन्हों का नाम डॉक्टर मुतजल्ला। सो मैं अज तकरीबन 6-7 डॉक्टर्स मिल चुके हैं एक प्रोग्राम के विच, ते कानू हुन अपना आप जरा मरीज ते नहीं महसूस हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं अद्धा को डॉक्टर हो गया सीख के सारी चीज़ा। तो जनाब साढ़े स्टूडियो दो होर परौने मौजूद ने, उन्होंने इंट्रोडक्शन मैं तुहाडे नाल करांदा चला और बड़ी वधिया गल्लां होणगियां। एक्स वाइस चांसलर ने पंजाब यूनिवर्सिटी दे, लेकिन करंट वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावला कोट दे और उत्थे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और सोशियोलॉजी उन्हां दा सबजैक्ट और एजुकेशन नाल इन्हों का तालुक है, और कल्चर और आर्ट
और बाकी जड़ियाँ चीज़ें जेंडर इनइक्वैलिटी की अगर गल कर लिए इस हवाले भी उन्होंने काम है और इस हवाले काम कर रहे हैं। डॉक्टर जकरिया जाकिर साहब साढ़े नाल मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब जी। वालेकुम कैसी तबीयत? अल्लाह का करम जी। बिल्कुल, और इन्होंने नाल खातून एक सवाणी परौनी साढ़े नाल मौजूद है ने, पंजाब यूनिवर्सिटी कल्चरल स्टडीज़ के नाल तालुक है और डायरैक्टर ने अपने शोबे दियाँ भी और यूथ एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ के हवाले नाल एक काम कर रही ने, प्रोफेसर ने पब्लिक हेल्थ दियाँ ना इन्हों का डॉक्टर रुबीना जाकर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम साहब, तुहाडी कैसी तबीयत है? जी अल्लाह का शुक्र है। और पब्लिक हेल्थ की अगर पब्लिक की गल करिए तो तुहाडा इंटरैक्शन पब्लिक नाल वैसे भी रहिंदा होएगा और जनरली जो किताबों च लिखे कि पब्लिक किवें दी हुंदी है और किवें बेहतर हो सकती है उहदे नाल भी ज़्यादा तुहाडा ताल्लुक रहा पढ़न के हवाले नाल भी। और साडे शो का फॉर्मेट भी है भी और मौजू भी है कि असीं लुकाई की और पब्लिक की गल कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की थोड़ी घट गल कर रहे हैं और बिल्कुल आम लोगों की मेरे वर्गे लोगों की जिहड़े जिन्हां दे नाम दे नाल डॉक्टर नहीं लिखे हुंदा उन्हां दी असीं गल करन दी कोशिश कर रहे हैं। तो तुहाडे तों स्टार्ट डॉक्टर साहब कर लैंदे हां कि ये शोभा पब्लिक हेल्थ का और पब्लिक डीलिंग का जिहड़ा है ये किस तरह ज़हन में आया कि इस शोबे च जाना, घरदियां ने गाइड किया या किसी होर वल वेख के इंस्पिरेशन हुई या जेन्युइनली यह करना चाह रहे सो? जी, क्योंकि मैं पहला मेडिसिन में बैचलर किया MBBS किया कराची थे, तो उसके बाद जब मैं इस एरिया में काम किया गायनी में स्पेशलाइजेशन की और कुछ अरसे काम किया तो मैं पता चलिया कि बहुत सारे ऐसे अवामिल है जिहड़े साढ़े जी कौम है उन्होंने सेहत को असरअंदाज कर रहे होंगे, तो फिर मैं फैसला किया कि मैं इस एरिया में स्पेशली जड़े मैटरनल माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से इस एरिया में मैं कम करने की जरूरत है, क्योंकि साढ़े मुल्क में हालांकि बड़ा काम होया है कि माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर कराया जाए, लेकिन फिर भी अजा भी साड़ी बड़िया माया जड़िया है और बच्चों की बात जड़ी है ऐसी बीमारियां तो हो जाती है जिन्होंने सने बचा सकते हैं। तो जी पब्लिक हेल्थ है वह असल में की है? पब्लिक हेल्थ का मकसद ही यह है कि जो सने बीमारियां आन से बचाइए, लोगों की जी सेहत है उन्होंने बेहतर करिए, उन्होंने जिंदगी बेहतर करिए और वह लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। तो साढ़ा ज़्यादातर जरा पैसा खर्च हों क्यूरेटिव मेडिसन यानी जब बीमारियाँ आ जाए तो सने फिर बीमारियां काबू पाने की कोशिश करते, लेकिन जड़ा पब्लिक हेल्थ है ये एक्चुअली क्या है कि जड़ा सानू बीमारियां नू आंते ही रोकना है। सही। सानू पहला तो कोशिश करनी है कि वो बीमारियां ना आवे, यानी प्रिवेंशन है। जी बिल्कुल सही। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन का दूजा नाम है। सही, वधिया, ये तो बहुत ही सोहनी गल है कि बीमारी आने तो पहले ही रोक ली जाए और उहदा कोई, क्योंकि असी ज्यादातर वेखिया कि साडे इत्थे प्लानिंग दा घाट हुंदा, असी डे टू डे लाइफ जी रहे हुंदे आ कि अगले साल या अगले पाँच साल की होना है वो ध्यान आम लोगों का घट है और बाकी शोबों का भी थोड़ा घट ही नज़र आता। डॉक्टर साहब तुम एक अरसे तो एजुकेशनल काउंसलर के पंजाब यूनिवर्सिटी का तालुक रहा, एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे और नौजवान जड़े ने बड़े जज्बाती होंगे ने इस उम्र और काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्होंने डील करना और उन्होंने एक कैंडे च लियाना कि अच्छा उन्होंने एनर्जीज पॉजिटिव साइड पर लगन, तो उस हवाले कर रहे और अजकल जो कश्मीर में कर रहे हो यूथ के वाले ने, मैं जानना चाहवाँगा कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने और पुंछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उन्होंने कि ज़्यादा फर्क है अपने फ्यूचर को लैके अपने बिहेवियर को लैके, हु इज़ मोर पैशनेट अबाउट हिज फ्यूचर? देखो जी यूथ है ना जी वो इको ही कैटेगरी वो दो नहीं। अच्छा, वो खा पंजाब यूनिवर्सिटी की होवे या उकाड़ा यूनिवर्सिटी की होवे जिथे मैं चार साल वाइस चांसलर रहा, मैं कुछ अरसा साहिवाल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा, हूँ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट का। यूथ इको ही है। अच्छा, ये एक बड़ा जज्बाती सैक्शन है लेकिन इंतहाई समझदार सैक्शन है। आम तौर पर लोग यूथ के बारे कहते हैं जी बड़ी बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार है, मैं बिल्कुल इस गल नहीं मानता। साड़ी यूथ जी है बहुत समझदार भी है और आकिल भी है, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक गल है इन्हों अच्छे तरीके नाल हैंडल किया जाए, चैनलाइज किया जाए, इन्हों की इज्जत की जाए, इन्हों की रहनुमाई की जाए। जो इन्हों ये पता लग जाता है ना कि यह टीचर साड़ा हमदर्द है, ये टीचर साड़ी रहनुमाई करना चाहते, यकीन करो साढ़े स्टूडेंट जिन्हें वो ताबेदार ने उन्ने दुनिया के किसी मुल्क नहीं। इस वास्ते मैं हमेशा जिहड़े मेरी यूनिवर्सिटियां दे विच टीचर रहे ने उन्होंने कहना कि वो नौजवानों नू सीरीयस लैन, उन्होंने नाल एक तल्लक कायम करन और उन्होंने रहनुमाई करन,
और हमदर्दी ना रहनुमाई करनी। देखो ना, एक बच्चे नू अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, तो जे तुसी उन्हूं कहोगे जी वे तू पिंडों उठ के आ गया तेनू अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, ये बिल्कुल गलत अप्रोच। उहदी रहनुमाई करनी चाहिए, जाहिर है अंग्रेजी साड़ी कोई मादरी जबान नहीं। अगर किसी बच्चे नू मैथमैटिक्स नहीं आता तो उन्हूं तुसी कहोगे जी तू जाहिल है, तू अनपढ़ है, तू कितों पढ़ के आया। इस तरह की जी गुफ्तगू है, ये बच्चे की जी इज्जत नफ्स है उन्हें मजरूह कर दी। बिल्कुल, डीग्रेड तो वैसे भी किसी को नहीं करना चाहिए। डीग्रेड तो देखो जी, जवान हो या बुढ़ा हो, बच्चा हो या मर्द हो या औरत हो, मैं समझना ये इंसानी हकूक का मसला है। बिल्कुल, इज्जत करनी चाहिए है, और साडा दीन भी सानू इज्जत करनी सिखाता है। इंसान नू अल्लाह ताला ने आसने तकवीम पैदा किया है। ये जिन्हें भी इंसाना के रिश्ते ने ना, खाओ मियाँ बीवी का रिश्ता है, खाओ उस्ताद शिगिरद का रिश्ता है, प्यो पुत्र का रिश्ता है, हमसाए का रिश्ता है, अगर वो इज्जत होएगी, अगर तकरीम होएगी, अगर डिसेंसी होएगी तो ठीक चले। बिल्कुल इस तरह ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिवें सर ने दसिया कि जिहड़ी अंग्रेजी जुबान दे उत्ते लोकां नू डीग्रेड कर देना या किसी होर जुबान दे हवाले नाल डीग्रेड कर देना कि तेरा लहजा खराब है और पिंडों उठ के आ गए, वो पूरी एक जनरेशन नू या पूरे एक टाबरी नू बुरा कह देना पिंडों उठ के आने तो की मुराद है। साडी जिन्नी सिविल सर्वेंट्स ने इस वक्त ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਿਹਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਮਿਹਣੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਣਾ ਮਿਹਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਮਵਨ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅ ਯੂਥ ਆਫ ਦ ਫਿਊਚਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਮਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ 60% ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਰ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਈਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮੌਕਾ ਫਰਹਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗੇਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਫਰਹਾਮ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁਤਜੱਲਾ ਅਗਰ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਤਾ ਪਾਏ, ਰਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਾਓਗੇ, ਰਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪੱਗ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਔਰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਬੜ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ,
उन्हें बड़े पैसे खर्चे उस घर से। मैं कहन लगा ये जो दरख्त लाया ना बूटा ये डॉक्टर साहब ये 20,000 रुपये का आया। अच्छा तो उन्हें बड़ी केयर करनी पैंती है इन्हों के वास्ते। मैं दो माली रखे ने। अच्छा तो मैं उन्होंने कहा यार इन्ना तकल्लफ करन दी केड़ी लोड़ सी, ये तू बाहर दे बूटे इत्थे लाए ने ना साडे ये माहौल दे मुताबक ने ते ना साडे मौसम दे मुताबक ने, इन्होंने सुक भी जाना ते जे तू इत्थे दरेक दा बूटा लांदा ते उहदी छां भी बहुती हुंदी है ते उह आसानी नाल इत्थे वध भी जांदा और तेनू भी फायदा होंदा। असल प्रॉब्लम साडा है वे कि देखो खा खुराक होवे खा जबान होवे जी या शादी ब्याह दियां रस्मात होन या इंसानी तलकात होन जिंदगी दा कोई भी हिस्सा या तुसी घर जड़ा बनाना है ओए अगर तुसी अपने कल्चर के मुताबक करोगे तो सौखे रहोगे सौखे रहोगे और आराम दे भी रहोगे। बिल्कुल असल गल की है। लेकिन ये गल करदे होए मैं तुहानू एक गल दसा इहदा एक कती तौर पर मतलब नहीं कि दूसरे कल्चर को असी सीखना नहीं, ये बड़ा फर्क है दा। बिल्कुल जो असी कहने ना कि पंजाबी कल्चर बड़ा अहम कल्चर इहदा मतलब की है, इहदा मतलब है नहीं कि मतलब पंजाबी कल्चर दा है कि वो जड़ा ना तुसी तहमत बन लो तो खुसा पा लो और खास तौर पर हीर गाते रहो। असल गल है कि जिंदगी दे जिन्ने पहलू ने ते डायमेंशन ने उदे विच जिहड़ी कल्चर दी गाइडेंस है उन्नू एक्सैप्ट करो। एक कल्चर कि आसमान तो नहीं उतरिया दा। देखो ना साडा रहन सहन साडा मेल वर्तन कई सदियां तो कई सौ साल तो इवॉल्व होया है। ठीक है ना जी। देखो ना गर्मियां दे विच जदों ये कहा जाता है कि जनाब तुसी अपने दोपहर के खाने प्याज का भी इस्तेमाल करना है लस्सी का भी इस्तेमाल करना है क्योंकि गर्म मुल्क है। बिल्कुल इत्थे तुहानू फ्लूट चाहिए है। ठीक है अस मैं कहना यह चाहना वा कि जिहड़ी कल्चरल विजडम है जिहड़ी कल्चर की अकल है जिहड़ी कल्चर की गाइडेंस है उन्हें यूज करो। लेकिन वक्त के नाल नाल जिहड़ा असी दूसरे कल्चर तो अच्छियां गल्लां सीखने हैं उन्होंने भी अडोप्ट करो। इनू असी कहने कल्चरल इनरिचनेस। तो सानू ये चीज़ अपने बच्चों को सिखानी है कि जिहड़ा साडा रहन सहन है एक कमतर नहीं लेकिन एट द सेम टाइम देखो ना जिहड़े दूसरे कल्चर ने वह भी तो इंसानी कल्चर ने। एक गल याद रहनी चाहिए है कि तमाम कल्चर इंसाना की बेहतरी वास्ते हर वक्त वक्त दे नाल सीखते हैं और जेड़े कल्चर दूसरे कल्चर तो अच्छिया चीज़ा सीख के ते अपने कल्चर का हिस्सा बना लेंगे ने वो कौम बहुत इनरिच। बिल्कुल इसे तरह ही और साडे बच्चों सीखने की भी लोड़ है। बहुत जरूरी है जी। हाँ, बेटर सोसाइटी अपने कल्चर नु बुरा या माड़ा कहना वो सब तो मेन इशू है नहीं जी। असल बाकी जड़ी चीज भी आ रही है कल्चर देखो इथे को कल्चर दा कंपटीशन ते नहीं हो रहा ना। ठीक है कि ये कल्चर बहुता सोहना है ते ये कल्चर आम तौर दे उते कि साडा कल्चर उते ये जड़ा कल्चर है इंसाना दी इज्तमाई सोच और नतायज दा जिन्हों कहते ने यह माखज हों। हुण तुसी वेखो ना कि सदियों तो असी इत्थे रह रहे हैं। ठीक है असी सन ऑफ सायल हाँ इत्थे रह रहे हैं। हुण साडा कल्चर यह सिखाता है कि बई सानू अपने जेडे माहौल नू खराब नहीं करना चाहिए। दरख्त नहीं कटने चाहिए। दरख्त ज़्यादा लाने चाहिए ने। लो लाइंग एरिया च घर नहीं बनाने चाहिए क्योंकि फ्लड आ सकता है। हुण अगर असी कल्चर दी जड़ी मत है जड़ा कल्चर दी विजडम है उन्हों अगर असी इग्नोर करांगे और असी तड़ा तड़ दरख्त कटांगे नए आबादियां बनावांगे। हुण देखो ना मैं तुहानू दसां एक लोग मना करदे सन कि जेडे दरियाई इलाके ने नीवी जगह घर नहीं बनाना। बिल्कुल ठीक है भर्ती पा के घर बनाना है थियां ते घर नहीं बनाना जेडे उच्चियां जगह होंदियां सन। एक कल्चर का एक सिस्टम मौजूद है। असी की किया हर चीज़ में इग्नोर करके तड़ा तड़ जड़ा ना असी बनाने शुरू करते उदा रिजल्ट अज वेख लो अजकल नुकसान हो रहा है। ये चीज़ा देखो अल्लाह ताला दी तरफों ही ने इहदे च कोई शक नहीं। मैनू हमदर्दी है वो जिहड़े भैन भरा साढ़े अजकल मुश्किल च ने सैलाब दे विच ने। लेकिन हुण असी एक ना सिर्फ उन्हां दी मदद करनी है बल्कि अगों भी सोचना है
कि कोई साढ़े पिंड का बंदा कोई फर्द किसी ऐसी जगह घर ना बनाए जिहड़ी पानी की गुजरगाह है, उत्ते नुकसान हो सकता है। असी दरख्तों नूं ना कटिए, असी अपने इनवायरमेंट नूं खराब ना करिए, असी ज़्यादा तो ज़्यादा जंगल लाइए, असी ज़्यादा तो ज़्यादा वो काम करिए जेडे साडे इनवायरमेंट वास्ते बेहतरी है। देखो अगर असी अपनी इनवायरमेंट का ख्याल करांगे तो फिर हर साल एवं पहले खुश्क साली और फिर रुड़ दे जावांगे। और देखो जिन्नियां भी मुसीबतां आउंदियां ने ये इंसानां नूं सिखाउण वास्ते आउंदियां ने, इन्हां विचों कोई सीखना चाहिए तो मेरा ख्याल है ये इन्हां तों। और देखो साडे जिहड़े सूफी शायर ने, साडे जिहड़े जिहड़े साडे वड्डे लोग ने, बाबे ने, उन्होंने जिहड़ियां गल्लां कीतियां सन वो एवें नहीं सन कीतियां। इस वास्ते मैं समझना कि सानू जिहड़ी कल्चर दी हिकमत ते विजडम है उन्हूं फॉलो करना चाहिए और अपनी जिंदगी नूं थोड़ा जिहा आसान बनाना चाहिए। हुण वेखो ना यह ओबेसिटी का मसला है जिहड़ा बच्चा वजन वध जांदा है, मोटापे का मसला है। हुण ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कह रहे हैं कि भई है जी फास्ट फूड है, फ्रोजन फूड है, इनू बंद करो, घर बच्चों नू पका के खाना खिलाओ। और देखो इस वक्त साडा मुल्क जिहड़ा है सब तो ज़्यादा यह जिहड़े बच्चे पहले साल फौत हुई इनफेंट मोर्टैलिटी जिन्हों आखने यदि एक वड्डी वजह है वे कि मावा अपना दुध नहीं पियांदियां बच्चे नू। बल्कि इस सवाल नू डॉक्टर साहब कोलों भी पूछने आ जी, तुसी मेरे कोलों भी पूछ लो। गल है ना कि कॉमन सेंस दीयां गल्लां ने। देखो ना साडे कल्चर च कि अगर कोई बुजदिली दिखाए तो लोग आखदे नहीं वो तू अपनी माँ का दुध नहीं पीता। की है कि माँ के दुध दे विच कुव्वत है। बिल्कुल इसे तरह उन्होंने पूछने का मकसद यह कि उन्हों का वैसे पब्लिक डीलिंग के हवाले काम भी और थोड़ा एक्सपीरियंस उस हवाले टैक्निकल टैक्निकल समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, और जच्चा बच्चा के हवाले काफ़ी काम किया और वेख रहे और बहुत वड्डा मसला पाकिस्तान का बन गया है और जोड़े डैथ रेट्स ने मावं के और बेचारियाँ जानवर नहीं हो सकदियाँ और बच्चे कुछ दे रह जाते हैं और माँ नहीं रही तो उस बच्चे की फिर मुश्किल जिंदगी गुजरती है एज कंपेयर टू जिन्हें माँ का दुध पीता है वो नाल रहा वो मुहब्बत उन्हें पाई है। मावं की ट्रेनिंग और मावं के नाल नाल प्योवं की ट्रेनिंग असं किमें कर सकते हैं कि यह माँ प्यो ने रल के बच्चा जोड़ा है उन्होंने पैदा भी करना है और उन्होंने अगे भी लैके चलना है और उसकी सेहत का भी ख्याल करना है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिता जाता माँ की खुराक के उत्ते और उन्ना पैसा नहीं लाया जाता कि उन्होंने डॉक्टर को लैके जाया जाए। अज भी पिंडा थावान उत्ते टिपिकल जोड़ा एक तरीका कर रहे वाल ही चलिया जा रहा। इस बारे थोड़ा दसो कि किन्ना बुरा असर पेगा फ्यूचर के अगलिया आने वाली जनरेशन के उत्ते जे अगर इनू असी तर्क ना किया। अच्छा इतने मैं तुहाडे सवाल च एक होर भी ऐड करना चाहवागी, तुसीं कहा कि इन्ना बजट नहीं लाया जाता या इन्ने वसाइल माँ वास्ते नहीं होंगे। हुण बहुत सारी ऐसी भी जगह जिथे माँ नू देण वास्ते वसाइल भी ने लेकिन समझ नहीं है देना की है। न्यू मदरस नू ये नहीं पता कि उन्होंने की यूज़ करना है, की खाना है। पहला तो मैं दसांगी कि जिहड़ा माँ और बच्चे की सेहत नू लेके पाकिस्तान में बड़ा काम किया जा रहा है क्योंकि अगर थोने देखो कि अज तो 10-15 साल पहला साड़िया मावं बहुत ज़्यादा उन्हों दी मौत हो जाती थी। हुण ये नहीं मैं कह रही कि वह उस हद तक कम हो गई है कि जिते सानू कह सकीए साडा मुल्क दा एक बड़ा सोशल इंडीकेटर के तौर पर लिता जाता है कि माया दी मौत और बच्चों दी मौत किन्नी किसी भी मुल्क की तरक्की का रा जो इंडीकेटर होंगे वो उन्होंने माँ और बच्चे की सेहत पर बंदा जज करता है। तो साढ़े मुल्क में पहले के मुकाबले में जरूर अंबाद कम हुई है लेकिन फिर भी अजा भी कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा है। स्पेशली उन्होंने इलाकों में जिथे ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात मुयसर नहीं है, जिथे जड़े साड़िया जड़िया सड़क हैं वो इस काम जोगिया नहीं है कि फॉरन जड़े है उन सहूलियात तक पहुँचा जा सके जिथे बच्चे की जड़ी डिलीवरी है वो सही माहौल में हो सके, सेहतमंद माहौल में हो सके। तो सब तो ज़्यादा साडा बड़ा मसला है इस वक्त साड़ी माँ की बच्चे की खुराक का मसला है। साढ़े बहुत सारे बच्चे थोने अगर स्टैटिस्टिक सुन लो ये अजा भी बहुत ज़्यादा है, 40% साढ़े बच्चे जड़े है 5 साल के नीचे दे जिन्हों सने कहें ना स्टंटिंग यानी अपनी उम्र से जड़ा है उन्होंने जिनी कद होना चाहिए वह बहुत छोटा होंगे जिन्हों सने स्टंटिंग कहते हैं। असं मजीद थोड़े को जानने की कोशिश करा लेकिन एक निकी जी ब्रेक आ गई है, वापस आके फिर ढेर सारिया गल्लां करने हैं। नाजरीन निकी जी ब्रेक है, ब्रेक पर जावे मुड़ के आप वापस आवेंगे और खबरों के नाल जाणू होना बहुत जरूरी है। ये खबर सुनो और मुड़ के वापस आओ, रहना साढ़े नाल। Oh, 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 oh
मुझे साउंड नहीं आ रही मुझे बता। जी नाज़रीन मुड़ के वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो मेरा नाल उस्मान बाजवा है, मेरे नाल डॉक्टर मुतजल्ला मौजूद ने और साढ़े नाल मौजूद ने डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर वाइस चांसलर पुंछ यूनिवर्सिटी रावलाकोट और डॉक्टर रुबीना ज़ाकिर साढ़े नाल मौजूद ने प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ। ढेर सारिया गल्लां हो रही ने और इन्होंने जिक्र अजकार भी हो रहा जिवें उन्हां दा नाम है उस तरह ही गल्लां असीं कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ की हो रहा है, पब्लिक एजुकेशन दे विच की हो रहा है और की होना चाहिए। डॉक्टर साहब ब्रेक तो पहले असीं ढेर सारिया कल्चर दीआं गल्लां कीतीआं, गायनी के हवाले नाल गलबात हुई, जच्चा बच्चा के हवाले नाल गलबात हुई, जेंडर के हवाले नाल भी तुहाडा काम है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुई रीसेंटली कि तुसीं अपना आई डी कार्ड जिहड़ा है वह मुजक्कर मोनस या मर्द औरत या सवाणी बंदे तो अलावा थर्ड जेंडर जिन्होंने असीं खाजा सरा कहने उसके मुताबिक भी रजिस्टर करवा सकते हो, या एक एक्स कैटेगरी भी है जिद खाजा सरा भी नहीं हो उन्होंने सिर्फ एक्स लिख देंगे हो अनआइडेंटिफाइड या जो भी। तो बहुत ज़्यादा जेंडरस ने दुनिया के और उन्होंने अपनाया भी गया मॉडर्न वर्ल्ड, पाकिस्तान ने भी अपना लिया, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन है एक रवैया आम लोगों का कंसीडर तो कर लिया सानू तीसरी जिनस के मुताबिक और कोशिशें हुकूमत कर भी रही है कि वो जॉब उन्हें वास्ते क्रिएट की है जान स्पैशल नशिस्त हो गए। रीसेंटली असेंबली दे विच भी खिताब किया खाजा सरा ने, सारा कुछ भी होया, आम आवाम हले भी उन्होंने खास अंदाज नाल वेखदी है, इंसान के रूप च नहीं वेखदी एक तमाशे के रूप च वेखदी। जो भी कोई खाजा सरा साढ़े सामने आएगा सारे हसणगे, कदे उहदे नाल कुछ अज की गल नहीं हुई और उन्होंने एक भीक मंगना और एक नचना गाना उन्होंने जिंदगी क्योंकि एजुकेशन सिस्टम चो नहीं आते और किहड़े स्कूल जाएंगे कि बह के पढ़ने उत्थे दा की रवैया। सो इस हवाले नाल जेंडर आइडेंटिफिकेशन और जेंडर इक्वैलिटी हवाले नाल तुसीं की कहंदे हो? देखो जी ये बड़ी दुख की गल है कि अगर असी जिस तरह तुसीं लफ्ज़ यूज़ किया तमाशा, अगर किसी इंसान नूं तमाशा बना दिता जाए, देखो पहली गल तो ये कि जेंडर का तयन अल्लाह की जात कर दी है, ठीक है, वो कोई फर्द नहीं करता। एक बच्चे ने क्लीयर मेल पैदा होना है, फीमेल पैदा होना है या ट्रांसजेंडर पैदा होना है, ये रब दे फैसले ने, ते रब दे फैसलियां दे उत्ते मजाक बनाना ये ते इंसानां दी तोहीन है, इहदा ते मेरा मज़हब भी इजाज़त नहीं देंदा। देखो अगर जेंडर दे विच किसी की डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी नाल हमदर्दी करनी चाहिए है, उहदा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नंबर एक गल। दूसरी गल है वे कि जेंडर किसी फर्द का जाती एस्पैक्ट भी है, ठीक है, असल दे विच मुआशरे दे विच जिहड़ी इज्जत है वो तो उस बंदे दे मुआशरती कंट्रीब्यूशन ते किरदार दी वजह नाल है। Exactly. देखे ना किसे वो मर्द है औरत है ट्रांसजेंडर है जी वो नेक है जी उहदा किरदार ठीक है लोगों नूं नुकसान नहीं पहुँचाता और लोगों के वास्ते नफा बख्शे काम करता है अच्छा काम करता है तो उहदी वो इज्जत करनी चाहिए है उहदी। तो मेरा ख्याल है ये सानू बिल्कुल मैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की भी तहसीन करांगा कि उन्होंने बड़ा वाजे फैसला दिता है जी कि वो पाकिस्तान के शहरी ने और वो काबिले एहतराम ने। देखो फजीलत जेंडर ते ते है ही नहीं, बिल्कुल देखो ना इस्लाम दे विच ऐ ते नहीं कि मर्द हज कर सकता है ते औरत नहीं कर सकती, नमाज दुआ ते नमाज फर्ज है, दुआ ते हज फर्ज है, ये रब दे काम ने कि जन्नत च किन्ने जाना है, मर्तबा किदा ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है ये सब ने तमाम लोग जो इस प्रोग्राम देख रहे ने सानू इंसाना दी इज्जत ते तकरीम करनी चाहिए, ठीक है, जेंडर दा इहदे च कोई रोल नहीं है और ना सानू ये वेखना चाहिए कि एक किन्ने परसेंट मर्द है किन्ने परसेंट औरत है एक किन्ने परसेंट ट्रांस ट्रांसजेंडर है, ये बिल्कुल सानू और इहदा दूसरियां दी जाती जिंदगी नाल ताल्लुक नहीं बणदा, मेरे रब दे फैसले ने जी असीं की कर सकते, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना जी। और देखो वह भी तो किसी के घर औलाद पैदा हुई है ना, और जे जिहड़े लोग इन्हां दा मजाक उड़ाते ने उन्हां नूं रब तो डरना चाहिए, जे कल उन्हां दे घर ही इहो जी पैदा हो गया तो उन्हां नूं किन्ना दुख होएगा जदों ये वेखदे ने। देखो अगर वो डांस या तमाशा वो फिर तुसां उन्हूं मजबूर कर छड़िया तुसीं, ना उन्हां नूं पढ़ाया ना उन्हां नूं स्किल दिता, वो फिर बेचारे की करन। तो इस वास्ते मेरा नहीं ख्याल है किसी भी तौर दे उत्ते जायज़। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब असी गल कर रहे थे पब्लिक हेल्थ बारे च मदरस दे हेल्थ दे बारे च, ते प्री नेटल और पोस्ट नेटल जो मदर केयर है उहदे विच तुसी की समझदे हो कि हुण
जदीद डिजिटलाइजेशन हो गई, मदर्स नू एजुकेशन मिली, कि उदे बाद कोई फर्क आया उन्हां दी हेल्थ विच? और मजीद असी मदर्स नू एजुकेट किवें कर सकदे हां कि वो पॉइंट्स ने जो मदर्स नू पता होने चाहिए ने? अच्छा, सब तो पहला तो यह कि एंटीनेटल केयर जिन्हों तुमने प्रीनेटल केयर भी कहते हो, यह बड़ी खुशाइन बात है कि हुण पाकिस्तान में बहुत हद तक जिहड़ी है बेहतर हो चुकी है। अगर हुण तुमने स्टैटिस्टिक्स उठा के देखो तो हुण साड़ियां कोई 75% जिहड़ियां माएं हैं वह एंटीनेटल केयर 3-4 विजिट जरूर जांदियां हैं, डॉक्टरों को जांदियां हैं, या साड़ा एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है हमल दे दौरान, तो एक साड़ा बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम है जिन्होंने कहते लेडी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम, उदमा है कि उसे मोहल्ले की जिहड़ी खातून है उन्होंने ही यह जॉब दिती जाती है कि उन्होंने उसे जो कम्यूनिटी में जिहड़ियां खवातीन रहिंदियां हैं उन्होंने हेल्थ एजुकेशन भी देनी है, उन्होंने वैक्सीनेशन भी देनी है, उन्होंने कॉन्ट्रासेप्ट के बारे भी दसना है, और उन्होंने जिहड़ा है अगर वह हामला है तो उन्होंने फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल के नाल कनैक्ट भी करना है। तो इस प्रोग्राम की वजह से साड़ियाँ बहुत हद तक जिहड़ियां माएँ हैं वह जिहड़ियां हमल के दौरान सहूलियात इस्तेमाल करन लगियां हैं। और लेकिन अजें भी जिहड़ा मसला आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि जिहड़ी पोस्ट नेटल केयर है वो इस हद तक नहीं इंप्रूव हुई। पोस्ट नेटल केयर जिहड़ी छिले ते विच डॉक्टर को जांदे है, डॉक्टर ते हिदायत लेंदे है, उन्हां दी हिदायत पर अमल दरामद करदे है, वो वाली जिहड़ी केयर है अजें भी वह बेहतर नहीं हो सकी। वो सिर्फ साड़ियाँ 30% माएँ हैं जिहड़ियां पोस्ट नेटल केयर ले रही हैं। तो हुण ये किस तरह सानू इंप्रूव कर सकते हैं? गवर्नमेंट जिहड़ी है बड़ी कोशिश कर रही है कि ये चीज़ें इंप्रूव हो सके, लेकिन सानू हुण एक नया कॉन्सैप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हों सानू कहिंदे कम्यूनिटी बेस्ड एजुकेशन, कि जिद जे सा पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट है वह जाके कम्यूनिटी में काम करे, इसी तरह डॉक्टर जिस तरह कम्यूनिटी में जाके काम करते इसी तरह पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट कम्यूनिटी में जाके काम करूँगे। सानू उन्होंने सिखाऊंगे स्टूडेंट्स नू कि किस तरह उन्होंने कम्यूनिटी में जाके उन्होंने हेल्थ कम्यूनीकेशन स्किल्स नू बेहतर करके कम्यूनिटी में जाके जो हेल्थ दे सेहत के बारे में पैगाम है माया तक पहुँचाने। फिर जैसे मैं पहला भी किया कि बहुत सारी साडे बच्चे जोड़े है वह खुराक की कमी का शिकार है, माया नू नहीं पता होंदा कि यह बच्चों एक क्या मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से उन्होंने जोड़े माइल स्टोन है वह किस तरह डिले हो रहे हैं और वह उम्र के मुताबिक नहीं होंगे। तो सारे बच्चों अपने स्टूडेंट सिखावे कि किस तरह उन्होंने यह जे केसिस स्क्रीन करना है और उन्होंने हस्पताल तक लेके आना है, इसी तरह वह केसिस जोड़े वैक्सीनेशन के मिस हो गए जिन्होंने सानू मिस केसिस कहते हैं उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्होंने टाइम पर वह वैक्सीनेशन देनी है। तो हम सानू चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उन्होंने एज अ ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल करा जाए और कम्यूनिटी की जी सेहत है उन्होंने बेहतर करा जाए, एक जो कम्यूनिटी यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप है उन्होंने मजबूत करा जाए, बहुत जरूरी है। बल्कि इतने मैं दोबारा जरा हाईलाइट करना चाहवागी एक गल कि साढ़े इतने एक आम रिवाज कह लो या सोच है कि बच्चे की पैदाइश तो पहले तो डॉक्टर के कोल जाना बहुत जरूरी है, एक दफ़ा बच्चा पैदा हो गया हूँ की लड़ है जान की, बस हूँ घर रवे माँ पजीरियाँ शजीरियाँ खाए और बस काफ़ी है। तुम की समझते हो कि छिले दे दौरान भी डॉक्टर नू ओवी रेगुलर विजिट करना जरूरी है, अपनी डाइट और सप्लीमेंट्स वगैरह पूरे करना जरूरी है, या बस उन छड़ दो कोई जरूरत नहीं? नहीं देखे जेड़े साड़ियां माया दी ज़्यादातर बात हो रही है वह जी हमल के दौरान होंगी है, लेकिन ज़्यादातर जी बात हमल के बाद होंगी है क्योंकि उसकी वजह यह है कि साढ़े अजा भी ब्लड प्रेशर हाई होंगे है, माँ उन्होंने नहीं पता होंगे या वह दवाइया ले रही होंगे छड़ देंदी है, तो फिर होंगे है कि ब्लड प्रेशर बड़ा बढ़ जाता है और उन्होंने जोड़े खून ज़्यादा बह जाता उन्हों का, तो जब ज़्यादातर जो बात है वह ज़्यादा खून बहने की वजह तो होंगे है ना सिर्फ हमल के दौरान बल्कि हमल के बाद भी, तो इसलिए जी पोस्ट नेटल केयर है यदि बहुत ज़्यादा जरूरत है, स्पैशली जो शुरू के दो दिन है उद्दे बहुत जरूरत है, और इधर में ना सिर्फ यह माँ के लिए जरूरत है बच्चे के लिए भी बड़ी जरूरत है बिकॉज के इस दौरान वह बच्चे जी वैक्सीनेशन लगनी है वह लग जाती है, बच्चे का मुकम्मल चैकअप हो जाता है और माँ डॉक्टर दसदी है कि किस तरह ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, बच्चे अपना दूध उन्हें पिलाना है तो उसकी क्या अहमियत है और 6 महीने तक उन्हें अपना दूध पिलाना है उसके बाद जो है दूसरा फीड स्टार्ट शुरू करना है। इसके नाल ही एक होर बहुत अहम टॉपिक जो साडे सोसाइटी बहुत निगलैक्टेड है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बिल्कुल, बच्चा पैदा हो गया उस तो बाद की माँ की बॉडी जो हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं उस तो बाद डिप्रेशन वाकई होंगे या साड़ी मॉइस्चर में एक आम सोच है कि एवं बस कोई गल नहीं है एवं इन्हें रोना नहीं? तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट की तरफ इशारा किया है, अजा साडे मॉइस्चरे में यह मसला है कि साढ़े बहुत सारिया माया जिहड़ियां स्पैशली जिहड़ी पहली दफ़ा माँ बनती है उन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होंदिया है माँ, लेकिन साढ़े मॉइस्चरे में अजा सानू नहीं समझते कि वो एक बीमारी है, सानू समझते शायद जिन भूत आ गए हैं तो फिर
ਸਾਨੇ ਇਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕੇਅਰ ਜਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੇ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਬਾਅਦ ਮਾ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਅਗਰ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਹਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਏ ਲਾਅ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਨਿਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਬਹੁਤੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਗ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਸੇ ਮਖਸੂਸ ਨਿਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮਖਸੂਸ ਨਿਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ ਮਖਸੂਸ ਨਿਸ਼ਿਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਲੋਕ ਜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਸੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਹਿਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਜਾਂ 2% ਨਾ ਦਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਓ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਜੂਅਲ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਾੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਉਕਾੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜਡ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ ਦਾਖਲਾ ਲਏ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਯੂਥ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 60% ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਥ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਨੇ
नवीं यूनिवर्सिटियां बनिया लेकिन उन्नी तादाद नहीं बनिया गालबन जिनी कि लोड़ है पाकिस्तान दे विच कॉलेजेस भी इस तरह ही ने इनू किस तरह वेखदे हो कि एक बच्चा जिहड़ा है मिनिमम क्वालिफिकेशन लैके आंदा लेकिन सीटां दी तादाद ही इन्नी नहीं कि वह एंटर कर सके वो फिर बाहर कितने खज्जल हुंदा रहेगा या प्राइवेट सैक्टर चला जाएगा या पढ़ाई छड्ड देगा नहीं देखो ये कई बहसां ने मैं इस वेले ते मौका नहीं कि मैं हर चीज़ करा देखो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लैना हर बंदे दा हक भी नहीं देखो ना अमरीका बड़ा ताकतवर मुल्क है उन्हां कोल बड़े वसायल ने लेकिन बहुत घट लोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन उत्थे लैंदे ने असल गल है कि असी जिहड़ी हायर एजुकेशन नू डाइवर्सीफाई करना है स्किल बेस्ड करना हुण एक बच्चा अगर वो बहुत थोड़े नंबर ने उन्हू जिहड़े ना जिस तरह जर्मनी दे विच फाकहोकशूले टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी बनानी है चाहिए मिसाल मैं सिंपल गल करा मैं कई दफ़ा लोगों नू ओ जी सानू कुक नहीं मिलते ठीक है सानू सही टाइल लाने वाला बंदा नहीं मिलता प्लंबर नहीं मिलता प्लंबर नहीं मिलता हुण पहली तो गल असी इस गल तो निकलना है असी इन्ह सारे कमी कमां नू ते कमी दे खाते च पाया साडा पुत्र कमी बनेगा पहला तो ये ज़ेहन च खुरच के कढ़ देनी है गल कि कोई बंदा कमी नहीं हुंदा इज्जत कम करन नाले ओ पंजाबी चाहते ने ना कि चोरी च मेहना मजदूरी च मेहना ठीक है ना जी ये प्रवर्ब जरूर है लेकिन ओरिजिनली असी कहने कि वड्डा अफसर ही लगना असी थले तो असी कुछ करना ही नहीं टाई पा के बह जाना तो कम कोई नहीं करना ये थोड़ा जहा असी सोच का अंदाज तब्दील करना है गवर्नमेंट ये कर भी रही है और जोड़े साढ़े कॉलेजेस ने वह स्किल बेस्ड हो रहे हैं और देखो इस वक्त साढ़े नौजवान नू इंटरनेशनल लैवल ते कंपीटिशन करना जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि 60% ते नौजवान लोग ने इस वक्त दुनिया बाद ऐसे मुल्क ने जिथे नौजवान है ही नहीं जिस तरह वैसटर्न यूरोप के ने पूरी दुनिया चो जान सफीर भी बनन और मसाइल बिल्कुल इसे तरह ही इस वधिया गल दे नाल प्रोग्राम दा वक्त जिहड़ा ओह खत्म हुंदा जा रहा और टैप्टा वर्गा इदारा भी सरकार ने बनाया और वधिया काम कर रहा फ्यूचर च होर भी वधिया काम होणगे और ना सिर्फ मुंडे बल्कि कुड़ियां भी स्किल लेबर के तौर पर सामने आ सकदियां ना राणा भी चाहिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुसीं आए और ढेर सारी गल्लां साझियां कीतियां डॉक्टर साहब तुहाडा भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमेशा ही तुसीं वधिया गल्लां सानूं दसदे और जानण दा मौका भी मिलता कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ की हो रहा है क्योंकि तुहाडी जर्नी तुहानूं कई थावां ते लैके चली जाती है फिर कदे बवांगे और बाकी ढेर सारियां गल्लां जरूर तुहाडे नाल करांगे नाज़रीन जे तुहानूं प्रोग्राम पसंद आया और कोई नवीं चीज़ इहदे विच वेखना चाहते हो तो खत पत्र चिट्ठी लिख सकते हो ईमेल इलैक्ट्रॉनिक चिट्ठी भी लिख सकते हो थले एड्रैस चल रहा होगा पट्टी की सूरत में सानूं जरूर दसना कि तुहानूं कैसा लगा मुनवाली उस्मान बाजवा नूं डॉक्टर मुतजल्ला नूं भी इजाजत दे और जांदी वारी कहांगे कि लैओ यार हवाले रब दे ते मेले चार दिनां दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे रब रखा।